हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, अगर हम सीजीएल 2023 की बात करें, ठीक है, तो हर शिफ्ट में आपका अल्टरनेट डेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया जाए। तो आज के इस लेक्चर में हम जितने भी आपके अल्टरनेट डेज के ऊपर, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनते हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी ये लेक्चर देखने के बाद। ठीक है, अल्टरनेट डेज के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके रिसेंटली प्रीवियस ईयर से एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में दोस्तों। ठीक है, आपको एग्जाम से पहले ये लेक्चर जरूर देख के जाना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम अल्टरनेट डेज के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम मैथ्स को, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पर इसी तरीके के लेक्चर प्रोवाइड मैं कर सकूं और मुझे मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, बी इन 50 डेज एंड सी इन 40 डेज। पहले लिख लेते हैं, देखिए ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, 30 दिनों में। बी करता है उस काम को 50 दिनों में और सी करता है उस काम को 40 दिनों में। ठीक है दोस्तों, अब हम टोटल वर्क मान लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम 600। ठीक, अब हम बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो इन तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 3 से जाएगा 20 बार। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से 20 बार, 5 से 12 बार और 4 से 15 बार। तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ ए इज असिस्टेड बाई बी ऑन दी वन डे एंड सी ऑन दी नेक्स्ट डे अल्टरनेटिवली, यानी कि असिस्ट कौन किया जा रहा है, बी ए। ठीक है, तो ए रहेगा ही रहेगा दोनों दिनों में। पहले दिन कौन असिस्ट कर रहा है भाई, पहले दिन असिस्ट कर रहा है, ए इज असिस्टेड बाई बी ऑन दी वन डे, यानी पहले दिन बी और अगले दिन सी। ठीक है, इसी तरीके से तो कह रहा है वर्क विल बी कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज। तो देखिए दोस्तों, आप मुझे एक चीज बताइए कि ए प्लस बी, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है। आप कहेंगे ए प्लस बी यानी कि 20 और 12 32। ठीक है, पहले दिन में काम होगा, अगले दिन ए प्लस सी यानी कि आपका 20 और 15 35। ठीक, तो आप मुझे बताइए 32 और 35 कितना हो गया आपका, 67 यूनिट काम कितने दिनों में हुआ। भाई ये पहले दिन की कहानी है, ये दूसरे दिन की कहानी है, तो यानी कि कुल मिला के 2 दिन हो गए 2 दिन में। ठीक है, अब आप ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं यहां से आगे बढ़ने के लिए। वो कैसे भाई, आप देखिए 17 आ रहा है। ठीक है, तो यहां किसका डबल करूं मैं 17, यानी कि पहले मैं 8 तक जाऊंगा, तो 8 7 56 बचे 5। ठीक है, 8 6 48, 48 और 5 53। ठीक है, 8 7 56, 5 8 6 48 और 5 53, 536 यूनिट काम हो चुका है और दिन लगेंगे आपके। अगर इधर मैंने 8 गुना किया है तो इधर भी 8 गुना हो जाएगा नंबर ऑफ डेज का, तो यानी कि 16 दिन हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए नंबर किसका आएगा, आप कहेंगे सर अगला नंबर आएगा इस 32 का। ठीक है, तो यानी कि इसमें 32 और ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 5, 568 यूनिट काम। इसमें भी आपका 1 दिन ऐड हो जाएगा क्योंकि 1 दिन में 32 यूनिट काम हो रहा है, तो यानी कि 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 17 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, काम बचा कितना है, देखिए काम हो चुका है आपका 568। ठीक है, 568 काम आपका हो चुका है, बचा कितना है, आप कहेंगे सर 32 यूनिट काम बचा है। अब नंबर किसका आएगा इस 32 यूनिट काम को करने के लिए, ए प्लस सी का, यानी कि 35, क्योंकि ये तो अभी लिया हमने, तो यानी कि 35। तो आंसर होगा आपका 17 सही, 32 बटे 35, ऑप्शन ए। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है देखिए 3 लोग हैं ए बी एंड सी, कैन सेपरेटली कंप्लीट ए वर्क इन 20, 25 एंड 30 डेज। तो मैं लिख लेता हूं पहले इन्हीं को, ए बी और सी। ए करता है 20 दिनों में, बी करता है 25 दिनों में और सी करता है 30 दिनों में। ठीक है दोस्तों, तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 300। देखिए एलसीएम तो आपको निकालना आना चाहिए, एलसीएम का मैं कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, आप जाके जरूर देखिए। कह रहा है इफ ए
वर्क्स ऑन दी फर्स्ट डे एलोन, पहले दिन ए अकेला करता है। बी ऑन दी सेकेंड डे, यानी कि सेकेंड डे में कौन करता है, आप कहेंगे बी। और तीसरे दिन एंड सी ऑन दी थर्ड डे एलोन, तो यानी कि ये अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तीसरे दिन करेगा सी, ठीक है। एंड इन दिस सीक्वेंस गोज ऑन फर्दर, और इसी तरीके से आगे काम चलता रहता है। इन हाउ मेनी डेज विल द एंटायर वर्क विल बी फिनिश्ड, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो आपका ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 15, ठीक है, 15 × 29 = 300, और बी की आएगी 12 और सी की आ जाएगी 10, ठीक है। तो पहले दिन ए करेगा यानी कि 15 की एफिशिएंसी से, दूसरे दिन बी करेगा 12 की एफिशिएंसी से, और तीसरे दिन सी करेगा 10 की एफिशिएंसी से। तो आप मुझे बता सकते हैं टोटल काम कितना हो गया इन तीन दिनों में, आप कहेंगे सर 12 और 10 22, 22 और 15 37, 37 यूनिट काम हो चुका है आपका कितने दिनों में, आप कहेंगे तीन दिनों में, ठीक। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे बताइए भाई, आप अब ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहां से 24 24 25 है, तो इसका तीन गुना करूंगा तभी मेरा आएगा। तो यानी कि मैं इसका तीन गुना करता हूं तो कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 21, 2 × 3 = 9 और 2 = 11, 3 × 3 = 21, 2 × 3 = 9 और 2, अच्छा 8 × 3 = 24, 8 से गुना करना पड़ेगा ना, गुना 8, तो 8 × 7 = 56, 5 × 8 = 24 और 5 = 29, 296 यूनिट काम हो चुका है और दिन हो चुके हैं कंप्लीट 24, ठीक है। तो 24 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, काम बचा कितना है दोस्तों, 296 काम हो चुका है, टोटल काम है 300, तो काम बचा है 4, ये 4 किसका नंबर आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, ठीक है। तो 4/15, तो 24 सही 4/15 दिनों में काम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका आंसर होगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, गौरी एंड गोपाल, देखिए एक गौरी है मैं जी आर से डिनोट कर रहा हूं और एक गोपाल है जी पी से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। किसी काम को कर सकते हैं 9 दिनों में और 21 दिनों में, गौरी कर सकती है 9 दिनों में और गोपाल कर सकता है 21 दिनों में, ठीक है। इनका एलसीएम मैं टोटल वर्क मान लेता हूं कितना, 63, ठीक है, आसानी से निकाल सकते हो आप एलसीएम। तो अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो 9 × 7 = 63, 7 और 21 = 63, 3, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ बोथ वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद गोपाल, यानी कि गोपाल से स्टार्टिंग हो रही है, पहले दिन गोपाल करेगा दूसरे दिन गौरी करेगी। अब मुझे बता सकते हैं यहां से देख के कि गोपाल की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे सर 3 है, तो पहले दिन 3 यूनिट काम होगा, दूसरे दिन 2 यूनिट काम होगा, यानी 7 यूनिट काम होगा गौरी के द्वारा, ठीक है। तो कुल मिला के 7 और 3 = 10 यूनिट काम हो चुका है, और नाम का नंबर ऑफ डेज लगे हैं 2 दिन, ठीक है भाई, पहला दिन और दूसरा दिन, ठीक है। तो 2 दिनों में आपका 10 यूनिट काम हो चुका है, काम करना है आपको 63 यूनिट, ठीक है। तो मैं 60 तक जाऊंगा पहले 6 गुना करके, तो 10 × 60 यूनिट काम होगा और 2 × 12 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नंबर किसका आएगा, देखने वाली बात यह है, देखिए नंबर आएगा अब ऑब्वियसली भाई ये कंप्लीट इनका गोपाल और गौरी का कंप्लीट लिया है हमने, तो नंबर ऑब्वियसली गोपाल का आएगा, तो प्लस में 3 और करेंगे तो 63 यूनिट काम हो जाएगा, और नंबर ऑफ डेज तो यहाँ 1 दिन में होगा ये वाला काम भाई, 1 दिन में, तो यानी कि इसमें 1 दिन और ऐड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज लगेंगे 13, तो आपका आंसर होगा 63 यूनिट काम होने में 13 दिन, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग 10, 20 और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लिख लेते हैं ए बी और सी, ए करता है 10 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में और सी करता है 40 दिनों में, ठीक है दोस्तों। मैंने टोटल वर्क मान लिया इन तीनों का एलसीएम 40 यूनिट, ठीक। अब बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 × 44 = 4, ए की एफिशिएंसी 4, 20 × 2 = 40, 2 और 40 × 1 = 40, ठीक है। कह रहा है यदि ए को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों सहायता प्रदान करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए तीसरे दिन बी और सी हेल्प कर रहे हैं, तो पहले दिन अकेला ए कर रहा है, दूसरे दिन भी अकेला ए कर रहा है और तीसरा दिन बी और सी इसको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले दिन 4, दूसरे दिन भी 4 और तीसरे दिन आपका 4 और 2 = 6 और 1 = 7, 3, ठीक है। तो कुल मिला के 4 × 4 = 8 और 7 = 15, भाई 15 यूनिट काम हुआ, ठीक है, और दिन लगे 3 दिन, ठीक है।
अब आप मुझे बताइए भाई, 15 दूनी 30, 30 यूनिट काम और 3 दूनी 6 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो आपका हो जाएगा, अगर मैं इसमें 4 ऐड करता हूं तो 34 यूनिट काम, ठीक है भाई। नंबर इस एक आएगा ना, 34 यूनिट काम हो जाएगा, फिर एक दिन और ऐड हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 7 डेज, ठीक है। फिर मैं इसका नंबर आएगा, फिर 4 ऐड कर देता हूं तो 38 यूनिट काम, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 8 दिन, ठीक। अब देखिए 8 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं आपके, ठीक है। नंबर किस, अब देखिए काम बचा कितना है, 2 यूनिट। इसको करने के लिए नंबर किसका आएगा, तीनों का 2/7, तो 8 सही 2/7 दिनों में काम होगा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। ए एंड बी वर्किंग अल्टरनेटिवली कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली। पहले लिख लेते हैं भाई, ए करता है 10 दिनों में किसी काम को और बी करता है उसी काम को 16 दिनों में, ठीक है। मैंने टोटल वर्क मान लिया, इन दोनों का एलसीएम 80 यूनिट, ठीक। बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10 8 80 8 और 16 5 80 5, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, दे वर्क 4 ए डे अल्टरनेटिवली, ठीक है, विद ए बिगिनिंग द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। तो ए से शुरुआत करेंगे, ए फिर बी, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो पहले दिन ए कितने की एफिशिएंसी से करेगा, आप कहेंगे सर ए करेगा 8 की एफिशिएंसी से, तो पहले दिन 8 यूनिट, दूसरे दिन नंबर आएगा बी का 5 की एफिशिएंसी से, 5 दिन। तो यहां देखिए आप 13 यूनिट काम हो चुका है और नंबर ऑफ डेज लगे हैं 2 दिन, ठीक है। अब देखिए 13 6 78, 78 यूनिट काम, मैंने ये 6 गुना कर दिया तो यहां भी 6 गुना करेंगे, 2 6 के 12 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 12 दिन तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, काम बचा कितना है, 2 यूनिट, और नंबर किसका आएगा, तो ऑब्वियसली एक आएगा, तो 2/8, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 12 सही 1/4 दिनों में, ठीक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं भाई, ए बी और सी, ए करता है 11 दिनों में, बी करता है 20 दिनों में और सी करता है उसी काम को 55 दिनों में, ठीक है। अब टोटल वर्क मानते हैं, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 110 तो होगा नहीं, यानी कि 220 होगा, ठीक। अब आप देखिए बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की, 11 दूनी 22, 20 यूनिट ए की एफिशिएंसी, 11 यूनिट बी की एफिशिएंसी और 55 चौका 220, यानी कि 4 यूनिट सी की एफिशिएंसी, ठीक है। कह रहा है यदि बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से कार्य शुरू करते हुए एकांतर दिनों में ए और सी द्वारा सहायता की जाती है तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। देखिए ए से शुरुआत करते हैं और एकांतर दिनों में बी प्रतिदिन कार्य करता है और ए से शुरू करना है तो बी के साथ पहले दिन ए हेल्प करेगा उसकी और बी की अगले दिन सी हेल्प करेगा, यही इसने बोला है, ठीक है। तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, अब आप मुझे खुद ही बता दीजिए यहां से भाई, बी और ए यानी कि कितना हो जाएगा, 31 यूनिट पहले दिन और बी और सी कितना हो जाएगा, 15 यूनिट। तो 31 और 15 भाई 46 यूनिट काम हुआ और नंबर ऑफ डेज लगे 2 दिन, ठीक है। अब आप ऑप्शंस की तरफ जाओगे तो 9 12 10, तो देखिए यहां से भी देख सकते हो, 4 5 20, 4 6 24, 240 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और 5 5 6 5 30, ये भी ज्यादा हो जाएगा, आप 4 से भाग दीजिए तो 4 से 4 6 24, 2, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 6 24, 2, 4 चौक 16 और 2 18, 184 यूनिट काम हुआ और 2 चौक 8 दिन कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब नंबर किसका आएगा, आप कहेंगे सर अब नंबर आएगा बी प्लस ए का, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 31 ऐड कर देता हूं, ठीक, तो कितना बन जाएगा, 4 और 1 5 18 और 3 21, 215 यूनिट काम हो जाएगा और यहां 1 दिन ऐड कर देंगे तो 9 दिन कंप्लीट हो जाएंगे।
तो 9 दिन तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। काम बचा कितना है आप मुझे यहां से देख के बताइए कि भाई 215 काम हो चुका है, 220 टोटल काम था, तो 5 यूनिट काम बचा है, कौन करेगा? ऑब्वियसली ये बी प्लस सी का, भाई ये तो अभी किया है तो बी प्लस सी का नंबर आएगा, यानी कि 5/15, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 9 सही 1/3 दिनों में काम होगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए, ए और बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड 16 डेज रेस्पेक्टिवली। लिख लेते हैं ए और बी कितने कितने दिनों में, 10 दिनों में और 16 दिनों में किसी काम को कर सकते हैं। मैंने टोटल वर्क मान लिया इन दोनों का एलसीएम 80 यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आएगी 10 8 80 8 और 16 5 80 5, ठीक है। कह रहा है ए बिगिंस टू डू द वर्क एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली 1 एट ए टाइम फॉर 1 डे ईच। शुरुआत कौन कर रहा है, ए, पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन बी करेगा। पहले दिन ए 8 की एफिशिएंसी से, दूसरे दिन बी 5 की एफिशिएंसी से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 13 यूनिट काम कितने दिनों में, भाई 2 दिनों में, पहले दिन ए दूसरे दिन बी, 2 दिनों में, ठीक है। अब देखिए यहां आपका 13 6 78, मैंने 6 से गुना कर दिया, शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, 13 6 78 यूनिट काम हो गया और यहाँ 2 6 के 12 दिन कंप्लीट हो गए, ठीक है। आप देखिए 12 दिन तो कंप्लीट हो गए हैं, काम बचा कितना, 78 यूनिट काम हुआ, टोटल है 80, तो यानी कि 2 बचा है और नंबर किसका आएगा, ऑब्वियसली एक आएगा पहले, ठीक है। तो 2/8 यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 12 सही 1/4 दिनों में काम होगा दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, 3 बंदे हैं राजू सुनील और विशाल, अलग अलग एक काम को 20 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। देखिए राजू है, सुनील है और विशाल है, ठीक है, कितने कितने दिनों में, 20 30 और 40 दिनों में, ठीक। मैंने एलसीएम इनका टोटल वर्क मान लिया, ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 120, ठीक। अब देखिए एफिशिएंसी की बात करते हैं, इनकी एफिशिएंसी आएगी 20 6 120, 30 चौका 120, 40 तिया 120, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है राजू कितने दिनों में यह काम खत्म कर सकता है, बात कर रहा है राजू की, ठीक है, यानी कि इस राजू की, ठीक है, कितने दिनों में काम खत्म कर सकता है। यदि सुनील से शुरू करते हुए सुनील और विशाल द्वारा एकांतर दिनों में पहले सुनील और फिर विशाल उसकी सहायता करते हैं, देखिए राजू तो है ही है, पहले सुनील इसकी हेल्प कर रहा है और अगले दिन राजू की विशाल, ठीक है, विशाल इसकी हेल्प कर रहा है, तो देखिए 2 दिनों की कहानी हो चुकी है, ठीक। तो पहले दिन राजू और सुनील, तो यानी कि 6 और 4 10, फिर राजू और विशाल यानी कि 6 और 3 9, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 10 और 9 19 यूनिट काम हुआ और दिन लगे 2, भाई पहले दिन ये दोनों, दूसरे दिन ये दोनों, ठीक है। अब देखिए 19 19 छक्के 114, 114 और 2 छक्के 12 दिन, ठीक है, 114 काम हो चुका है, तो यानी कि 12 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, काम बचा है आपका 6 यूनिट और नंबर आएगा किसका, ऑब्वियसली इस आर प्लस एच का आएगा, तो यानी कि 6/10, तो मैं इसको लिख सकता हूं 12 सही 3/5 दिनों में काम होगा दोस्तों, 12 सही 3/5, ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, देखिए ए और बी एक काम को क्रमशः 13 और 17 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है जी, ए और बी, ए कर सकता है 13 दिनों में, बी कर सकता है इस काम को 17 दिनों में, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका जो एलसीएम आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, 221, 17 51 5, 17 17 और 5 22, 221 यूनिट। अब बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी आएगी भाई इसकी 17 आ जाएगी, इसकी 13 आ जाएगी, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही था इन दोनों का ये, ठीक है। क्या कह रहा है, ए काम करना शुरू करता है, पहले दिन ए कर रहा है और वे बारी बारी से एक दिन एक एक दिन कार्य करते हैं, तो अगले दिन बी करेगा, ठीक, ठीक है जी। तो देखिए भाई पहले दिन ए करेगा यानी कि 17 यूनिट, दूसरे दिन बी करेगा 13 यूनिट, ठीक है। तो कह रहा है काम संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा, तो देखिए 2 दिनों में इन्होंने 30 यूनिट काम कर दिया, दिन लगे 2 दिन, ठीक है। अब देखिए 3 7 21,
सत्ते 14, 7 से गुना करिए, 7 21, 210 यूनिट काम होगा और 2 सत्ते 14 दिन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आपके 14 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, 14 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, काम बचा कितना है भाई, 210 यूनिट काम हो चुका है, 221 था, 11 बचा है, और नंबर किसका आएगा, ऑब्वियसली पहले 1 आएगा, तो 11/17, तो 14 सही, 11/17 दिनों में काम होगा दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई राजू शोभ एंड मोहन, तीन बंदे हैं राजू शोभ और मोहन, कितने कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 दिन, 20 दिन और 25 दिनों में कर रहे हैं, 15, 20 और 25 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क मान लेता हूं इन तीनों का एलसीएम 300। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों, इनकी एफिशिएंसी आएगी इनकी 15 दूनी 30, 20 आ जाएगी आर की, इसकी 15 आ जाएगी और इसकी आएगी 12। ठीक, कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी फिनिश्ड इफ दे डू इट ऑन अल्टरनेट डेज। देखिए जब ये नहीं बोला हो कि कौन शुरुआत कर रहा है, तो आप मानेंगे कि शुरुआत करेगा सबसे पहले वाला। ठीक है, तो सबसे पहले वाला यहां आर, ठीक है, तो यानी कि पहले दिन आर करेगा, फिर एस करेगा, फिर एम करेगा। ठीक, तो पहले दिन आर 20 की एफिशिएंसी से, एस 15 की एफिशिएंसी से और मोहन 12 की एफिशिएंसी से। ठीक है दोस्तों, मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं भाई, आर से राजू, एस से शोभ और एम से मोहन। ठीक, अब क्या कह रहा है, देखिए काम कितने दिनों में होगा, तो देखिए भाई 20 और 15 35, 35 और 12 47, तो 47 यूनिट काम कितने दिनों में होगा, आप कहेंगे 3 दिनों में। ठीक, तो 4 6 300 ना, 4 6 24, 4 से गुना, 6 से गुना करिए, 6 7 42, 4 6 24 और 4 28, 282 यूनिट काम हो गया और 6 18 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो 18 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं, 282 काम हो चुका है, काम था कितना टोटल 300, तो काम बचा है 18 यूनिट और नंबर किसका आएगा, ऑब्वियसली आर का आएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका बटे में 20 आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 18 सही, 9/10 दिनों में काम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, इतना तो फर्ज आपका भी बनता है, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। क्या कह रहा है, देखिए दो व्यक्ति हैं ए और बी, अलग अलग किसी काम को 6 और 10 घंटे में कर सकते हैं, तो मैं लिख लेता हूं ए और बी, ए कर सकता है 6 घंटों में, बी कर सकता है उस काम को 10 घंटों में, टोटल वर्क मान लिया मैंने इन दोनों का एलसीएम कितना 30 यूनिट। अब बात करते हैं इनकी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी आएगी ए की एफिशिएंसी 6 5 30 5 और 10 30 3। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, वे बारी बारी से एक एक घंटे के अंतराल पर काम करते हैं, यदि 8 बजे ए कार्य प्रारंभ करता है तो वह कार्य कितनी देर में समाप्त होगा, तो ए से शुरुआत करते हैं, तो पहले ए करेगा फिर बी करेगा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप देख सकते हैं ए की एफिशिएंसी 5 है, तो पहले 5 फिर 3। ठीक है, तो कुल मिला के 5 और 3 8 यूनिट काम हो गया और दिन लगे 2। ठीक है, 8 3 24 कर लीजिए, 8 3 24, 2 3 6 दिन हो जाएंगे। ठीक है, अब नंबर किसका आएगा, आप कहेंगे सर नंबर आएगा ए का। ठीक है, तो 24 और 5 29 यूनिट काम हो जाएगा, 1 दिन और लग जाएगा, 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, काम बचा कितना है, देखिए 29 हो चुका है, 29 काम हो चुका है। ठीक है, 29 हो चुका है, टोटल काम था कितना, आप कहेंगे 30 यूनिट काम था, तो 1 बचा है और नंबर किसका आएगा, देखिए ए ने तो अभी किया था, नंबर आएगा बी का, तो यानी कि 1/3, तो 7 सही, 1/3 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, ये डी है डेज। तो दोस्तों इस तरीके से आपके ये टोटल टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक होता है अल्टरनेट डेज, ठीक है, अल्टरनेट डेज के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझाए हैं, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे सीजीएल के, सीजीएल प्री 2022 के करवाए हैं मैंने, सीएचएसएल मेंस का करवाया है, फेज 11 के करवाए हैं। ठीक है, तो इनसे बाहर आपको कहीं कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको दोस्तों मेरे एफर्ट पसंद आए हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, हर लेक्चर के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी तरीके की एक एफर्ट के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, थैंक यू सो मच।